मनासा पुलिस कस्टडी में गिरफ्तारी के दौरान मौत का मामला सामने आया है। परिजनों के अनुसार मनासा के समीप बर्दिया निवासी 45 वर्षीय चरत पिता पन्नालाल बछड़ा को जमीन विवाद के चलते मंगलवार सुबह मनासा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। परिजनों ने पुलिस पर रिश्वत लेकर FIR दर्ज करने का आरोप लगाया। बताया जा रहा कि पिछले दिनों जमीन विवाद हुआ था, जिसको लेकर थाने में शिकायत हुई थी, जिसके बाद मनासा पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें मृतक चतर पिता पन्नालाल भी शामिल था। बुधवार सुबह परिजनों का भीड़ जिला अस्पताल में लगना शुरू हो गई थी। इस दौरान परिजनों ने अस्पताल में काफी हंगामा किया। परिजनों का कहना था कि पुलिस जबरदस्ती इलाज के दौरान मौत होने की बात लिखवा रही है। मृतक चरत पुलिस कस्टडी में मरा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए SP अमित तोलानी भी सुबह करीब 9:30 बजे जिला अस्पताल पहुंचे थे। इस दौरान SP ने पोस्टमार्टम रूम में जाकर भी देखा। परिजनों ने मनासा पुलिस गंभीर आरोप लगाए हैं। मेरा नाम ग्राम पंचायत बैडिया से हूँ, तहसील मनासा, जिला नीमच। जो शांत हुआ हमारा अंकल है, और हमारे गांव में कुछ जमीन विवाद को लेकर एक लड़ाई झगड़ा हो रहा था, जिसकी मृत्यु हुई। हमारे अंकल है, उनका नाम चरत माली है। उनका ना कोई मेडिसिन चल रही थी, ना कोई उनकी तबीयत खराब थी। उन्होंने खाना भी खाया, उन्होंने चाय भी पी, उन्होंने स्वस्थ मिलके आए। रात को हम जाके आ गए, बोले ना तो थाना में कोई फंका कुल ऐसा कुछ भी नहीं था। कल हम मनासा घर पहुँच गए थे, उसके बावजूद स्वस्थ उनको छोड़ के आए। उनमें से रात को उनके अंकल की डेथ हो गई, थाना में ही डेथ हो गई थी। उस थाना में डेथ हो गई। पुलिस वाले को दबाव दिया या उन्होंने कुछ जान से मारने की धमकी दी या कुछ उन्होंने कुछ जबरदस्ती करी उनके साथ? हमने इनको कल पेश करे थे और इनकी जमानत भी नहीं करवाई पुलिस वालों ने, और कोर्ट में भी नहीं ले गए, और ये आदमी बिल्कुल स्वस्थ था। हाँ, और हमें कोई खबर भी नहीं। और मनासा थाने के सर दो केस है, एक आदमी पहले भी बैडिया का मर चुका है और दूसरा ये है सर। पर हमें तो पता भी नहीं, अभी सुबह बताया कि यहाँ आओ, इनको एडमिट कर रखा है और यहाँ आके देखा जी मरे हुए मिले। अच्छा, ये नीमच में? हाँ सर। ये ऐसा किसका फोन आया था कि एडमिट कर रखा? ये मनासा थाने से किसी का, मेरे अंकल आते हैं थाने में, उनको लगाया था। तो क्या विवाद था, क्यों ले गए थे सर? कोई विवाद नहीं, जरा सिर्फ छोटी सी जमीन का विवाद है, उसके ऊपर रिपोर्ट थी इनकी कायम। तो आपको क्या लगता है कैसे इनकी मौत हुई? सर कैसे हुई, आदमी रोज तो था, मारा इसको सर। हाँ, पुलिस वालों ने दो केस हो गए सर पुलिस वाले। मेरा नाम संजय जी, बताइए क्या हुआ था? मेरा भाई आया था छोटा, संजीव, संजय माली, सुबह थाने में आया था चाय वाय देने। हमको तो लेट खबर मिली, ये नाश्ता देना है, चाय देना। मेरे भाई को नहीं मिलने दिया थाना में, कहा कि ये नीमच भर्ती है, जबकि वो रात को मर चुका था। रात को मर चुका था। पुलिस ने अंकल जी, मेरे अंकल जी को कहा, फोन लगा, हाँ थाने में मर गया। अर्जुन जी को कहा, मनासा थाना, अर्जुन जी को कहा कल सुबह 11 बजे, सुबह 11 बजे पेश कर रहे थे हमने। मौत रात को हुई, रात को हुई। शाम को खाना खिला के भी गए हम, खाना खिला के गए, चाय पिला के गए। कोई बीमारी नहीं, कोई दुख नहीं उसके, तंदुरुस्त थे बिल्कुल। एक गोली तक भी नहीं लेता है काई की भी वो। तो आपको क्या लगता है कैसे हुई उनकी? इसको मारा रात को। किसने मारा? या पुलिस वालों ने मारा हो, कैसे देखे मरवाया अरुण ने। और घर से निकले, उन्होंने कहा था तुम्हारी कबर खोद देंगे, अरुण आर्य ने कहा था, अरुण आर्य और जीवन आर्य और तुम्हारी कबर खोद देंगे ऐसे बोला था, और रात को पैसे देके मरवाया। और आप कौन हो, क्या लगते हैं? मैं भाई हूँ उसका, बड़ा बड़ा भाई हूँ। क्या नाम है आपका? भरत, भरत माली। ये मनासा में एक अपराध में चरत पिता पन्नालाल जाति बाछड़ा उम्र 47 साल को लाया गया था, जिसे न्यायालय पेश किया जाना था। रात में इसकी कुछ तबीयत खराब हो गई, जिसे मनासा में CH में ले गए थे, जहाँ से इसको नीमच रेफर कर दिया गया। यहाँ पे इसकी अचानक मौत हो गई, उस संबंध में न्यायिक जांच की जा रही है। जो भी सामने आएगा तो उसमें कार्रवाई की। परिजनों को समझाइश दे दी गई है, अभी वो शांत है मामला, और आगे कार्रवाई कर रहे हैं।